children. Now, after welcome you all. Now, after lesson 2 Dadima, today, now let us start grammar. तो grammar को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण. तो आपका व्याकरण में आप संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. संज्ञा क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन. तो संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान, स्थान, भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. उदाहरण पुस्तक, राम, दिल्ली, मिठास आदि, है ना. ये सभी क्या होते हैं? आइदर इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, ओके, और एनिमल. सो दिस ऑल कॉल्ड एज संज्ञा. तो बच्चों संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन. व्हाट इज़ ए नाउन? विच एक्सप्रेसेस एनी टाइप नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स. यू सी इन ओल्ड एंड बच्चे आप खेलते हो ना, देखो लेटस फ्री टाइम में खेलते हो ना, लेटस प्ले नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना. खेलते हो कि नहीं? जब टीचर कोई ना नहीं आए या खाली समय मिल जाए तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हो ना, तो उसी के बारे में आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. तो ये संज्ञा क्या होता है बच्चों? फिर से हम पढ़ेंगे. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द जो होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं. तो अभी बच्चों ये देखिए, संज्ञा के प्रकार, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो क्या होता है, वे कितने प्रकार के हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं. तो पहले वाला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा जातिवाचक संज्ञा. तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा. फिर द्रव्यवाचक संज्ञा. और आखिरी वाला होता है भाववाचक संज्ञा. तो बच्चों ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वे कितने प्रकार के हैं बच्चों? दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो बच्चों ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं. अब बच्चों अगला अंश में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, और आखिरी में भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है. लेट अस रीड देम मोर क्लियरली. तो बच्चों देखिए, पहला में हम बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है. तो अभी इंग्लिश में बोलते हैं ना कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इजंट इट. तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है प्रॉपर नाउन. तो देखो उदाहरण के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण, उदाहरण मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? एग्जाम्पल, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सीता, महेश, गणेश आदि. और दूसरा क्या है बच्चों? देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका आदि. फिर शहरों के नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता आदि. और पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, कैलाश पर्वत, त्रिकुट पर्वत आदि. देखो बच्चों, देखो व्यक्तियों के नाम, अभी तुम्हारा नाम रामू है एग्जाम्पल, तो मैं आपके आपका भाई का नाम लक्ष्मण है, है ना. देखो हम लोग का आदत है, आपका भाई 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा, वो भी हमारा स्टूडेंट है, और तुम्हारा नाम लक्ष्मण है. अब तुम 7th क्लास में आए हो, पर तुम्हारा भाई का नाम हमेशा ज़्यादा याद होता है क्योंकि वो हमें पहले उसे पढ़ा चुके हैं, है ना. अभी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक मी, आई विल कॉल यू एज राम. वन टाइम यू लिसन, यू विल कीप क्वाइट. नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू राम, इमीडिएटली व्हाट यू विल टेल? मैडम, आई एम नॉट राम, आई एम लक्ष्मण. बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या होगा, हम उसी को उदाहरण के लिए देखो, भारत हमारा, व्हाट इज़ अ कंट्रीज नेम? इंडिया, भारत. अभी हम उसको नेपाल करने से तुरंत आप क्या बोल, मैडम आवर कंट्री नेम इज़ इंडिया नॉट नेपाल, बोलते हो ना. उसी तरह दिल्ली को लेके जाए, तो यहाँ हम कहाँ आए हैं? दिल्ली में, दिल्ली शहर देखने के लिए आए हैं. बोलेंगे दिल्ली के बदले मुंबई बोलेंगे क्या? तो क्या बोलते हैं, आर यू मैड और व्हाट? वी हैव कम टू दिल्ली नॉट टू मुंबई, बोलते हो ना. तो हिमालय पर्वत को हिमालय ही कहते हैं, उसके दूसरे नाम से नहीं पुकारते हैं, है ना. तो इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम होता है. देखो गणेश जी, गणपति का फोटो दिखाकर उसको और हनुमान जी बोलने से, मैडम ये हनुमान जी नहीं है, ये गणेश का है, बोलते हो कि नहीं? यू विल टेल आर नॉट चिल्ड्रन, मैडम दिस पिक्चर बिलोंग्स टू लॉर्ड गणेशा नॉट हनुमान, बोलते हैं. सो विच विल टेल द नेम ऑफ परफेक्ट
नेम ओनली दैट इज़ प्रॉपर, इट इज़ कॉल्ड एज व्यक्तिवाचक संज्ञा. अभी दूसरा वाला क्या हो गया बच्चों, जातिवाचक संज्ञा. तो दूसरा का कौन सा होता है बच्चों, जातिवाचक. माने क्या होता है इंग्लिश में, कॉमन नाउन बोलते हैं. देखो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध कराती है. इसे ऐसे भी कहा जाता है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है. उदाहरण, लड़का खेलता है. देखो वो कोई भी होता है, लड़का माइट भी, कौन खेल रहा है, एक लड़का. वाई, बिकॉज वी डजंट नो हिज नेम प्रॉपरली. सो कॉमन, कोई भी हो एक लड़का खेल रहा है. और उदाहरण देखियो, वह पुस्तक पढ़ रहा है. वो पुस्तक को किसी भी का भी हो सकता है, इट मे बी अ फिल्मी बुक, स्पोर्ट्स बुक, एनीथिंग वी कैन टेल. लाइक दैट ओनली देश, देश माने कुछ भी देश होता है, किसी अपने देश. यू सी वन यू प्ले नेम थिंग प्लेस एनिमल, यू कैन राइट एनी कंट्री विच यू लाइक. इज इट इट लाइक दैट ओनली नदी, कि ये नदी किसी का भी नाम होता है. क्या है, जब हम ट्रेन से जा रहे हैं हम पूछे नदी आ रहा है, क्योंकि गोदावरी है तो बड़े बड़े नदियों का नाम हमें पता है. ये छोटा सा जो नालियाँ बहते हैं, छोटे छोटे नदी भी होते हैं, तो हम बोलते हैं ये नदी आ रहा है. क्या हो, कौन सा, ऐसे ही नदी आ रहा है, कौन सा नाम हमें पता नहीं. हम बोलते हैं ना, कौन जा रहा है, औरत जा रही है. इजेंट इट, सो फॉर सम टाइम्स वी बी कॉमन, दिस नेम्स विल बी यूजिंग एज कॉमन. सो इसे तो संज्ञा में दूसरा प्रकार का होता है जातिवाचक संज्ञा. अभी तीसरा वाला क्या है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा. तीसरा वाला क्या है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा. जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं. तो बच्चों इसको देखिए, एग्जाम्पल देखो, टीम, कक्षा, सभा, सेना, भीड़ आदि. तो चिल्ड्रन इसे क्या है बोलता है इंग्लिश में, कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ कीस, अग ओके अ बॉकेट अ फ्लास, ऐसे बोलते हैं ना. देखो टीम, वे सिंगल वी कांट प्ले, इजेंट व्हेन यू आर प्लेइंग वी विल प्ले अकॉर्डिंग टू द टीम. देखो कक्षा, कक्षा में कौन बैठा है, बच्चों, इजेंट इट, स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग. सभा, सभा में कौन बैठे हैं, द पीपल, है ना, जनता बैठी है सभा में. सैनिक मीन्स यू सी सोल्जर्स, वी कॉल दिस ना सोल्जर्स, इजेंट इट. सो लाइक दिस अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप सिंगल नहीं है, जो एक ज़्यादा लोग एक जगह होते हैं, ज़्यादा एक किस प्रकार का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. फिर दूसरा वाला क्या है, अगला वाला द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा अगला वाला है, किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्य पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है. जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं. द्रव्य मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, आइदर इट वेड मीन द लिक्विड फॉर्म या मेटल्स. देखो जैसे चाय, दूध, जल, दिस ऑल आर इन व्हाट फॉर्म चिल्ड्रन, लिक्विड फॉर्म. फिर लोहा, लोहा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, आयरन, इजंट इट, आयरन. देन लकड़ी, दिस ऑल आर व्हाट चिल्ड्रन, एनी मटेरियल और मेटल्स, इजंट इट. इफ यू टेक ऑफ गोल्ड, इट इज ऑल्सो अ मेटल, इजंट इट. सो इफ यू, व्हाट इज द्रव्यवाचक संज्ञा चिल्ड्रेन, विच इंडिकेट्स आइदर इन द लिक्विड्स और एनी मेटल्स. देखो द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्य पदार्थ संज्ञा कहा जाता है. तो बच्चों अभी समझ में आ गया आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है. तो वी शुड कीप इन माइंड, सपोज एनी मेटल नेम और एनी लिक्विड फॉर्म विल कम, दैट इंडिकेट्स द्रव्यवाचक संज्ञा. तो अगला वाला क्या होता है बच्चों, भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा अगला वाला है. भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी भी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम का बोध कराती है. वंस अगेन आई एम रीडिंग चिल्ड्रेन, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम का बोध कराती है. उदाहरण देखो बच्चों, कोमलता, विनम्रता और शालीनता,
आदि। देखो बच्चों, यह भी हम कह सकते हैं जिन शब्दों में किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल सुख दुख, isn't it? आते जाते हैं, वी आर एक्सप्रेस, वह सुखी व दुखी है। मे इस वार चिल्ड्रन ही इज एक्सप्रेसिंग हिज सैडनेस, isn't it? कोमलता, हाउ विद, देखो कमल, इफ यू टेक लोटस कैसा होता है, बहुत, इट विल बी वेरी सॉफ्ट, isn't it? तो इस प्रकार आज हम संज्ञा के बारे में पढ़े हैं और उसके भेद के बारे में पढ़े हैं। तो संज्ञा और इसके भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? 5 भेद हैं। तो अगले व्याकरण में हम दूसरा टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।